बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे एमडीआर 61 का लेक्चर नंबर 31, जो कि टॉपिक 111 से स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले एग्जाम्पल है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें हमने टू वेरिएबल्स की बात की थी, एक्स एंड वाई की। आज के लेक्चर में हम जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, डेट इज़ एक्स। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 5x³। इसका जब हम डिफरेंशियल फाइंड करेंगे यानी डी एफ, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6x + 15x² dx। जब हम एक्स नॉट की वैल्यू कोई भी रैंडम पुट कर रहे हैं -1, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल की वैल्यू है वो आ गई है 9dx। और जो डिफरेंशियल ऑफ एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट है उसमें हम एक्स नॉट की जगह जब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास x + 1 आ गया। और जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है -2। अब हम हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन का जो क्राइटेरिया था वो क्या था, उसका फार्मूला क्या था कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स -f(x₀) -differential(x₀) at f(x-x₀) / absolute value(x-x₀) पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जीरो आती है। तो हमने वही फार्मूला पुट किया, उसमें जब वैल्यूज पुट की तो जब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास वैल्यू जीरो आ गई है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल जो है वो भी एग्जिस्ट हमारे पास कर रही है। इसके बाद हमारे पास नीचे एक लेमा है जिसमें हमारे पास ये कहा गया कि अगर f डिफरेंशिएबल है किसी भी एक पॉइंट x₀ पे तो हम फंक्शन को किस तरह डिफाइन करेंगे, एक एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एफ एट एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ई ऑफ एफ इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, वेयर ई इज द डिफाइंड एज अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट एंड लिमिट ई ऑफ एक्स एक्स टू एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब यही सेम लेमा हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आप एक पेज पीछे जाके देखें तो वहाँ पर जब हमने लीनियर फंक्शन को डिस्कस किया था तो सिर्फ उस लेमा में हमने लीनियर फंक्शन एल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लिखा था, जबकि यहाँ पे हम डिफरेंशियल ऑफ एक्स नॉट एफ लिख रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि हमने डिफरेंशियल को भी लीनियर फंक्शन की ही फॉर्म में डिस्कस किया है, तो ये सेम लेमा हम उसमें जस्ट लीनियर फंक्शन का जो हमारे पास था उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं डिफरेंशियल फंक्शन से। तो ये लेमा आगे चलकर हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है कि अगर एफ और जी कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स नॉट पे तो हमारे पास जो एफ प्लस जी है एफ जी वो भी एग्जिस्ट करेंगे। द सेम इज ट्रू ऑफ एफ डिवाइडेड बाई जी इफ जी ऑफ एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, द डिफरेंशियल्स आर गिवन बाय। अगर हमारे पास एफ प्लस जी दो फंक्शन हैं और वो उनका डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है एक्स नॉट पे, तो जब उनको अलग अलग हम उनका डिफरेंशियल फाइंड करें और उनको एडअप करें तो वो भी उसी के इक्वल होगा, सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट है असफिशियंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम है, अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू अप टू एफ ऑफ एक्स एन एक्स नॉट के किसी भी नेबरहुड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो उस एक्स नॉट पे कंटिन्यूस हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा वो उस एक्स नॉट पे डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी हमारा जो कॉन्टीन्यूटी है डेट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। किसी भी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट करती है एट पॉइंट एक्स नॉट पे तो हमारा वो ही फंक्शन उस एक्स नॉट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। प्रूफ हम स्किप कर रहे हैं, एस एच इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, जैसे अभी हमने थ्योरम डिस्कस किया था तो सेम वही चीज़ है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और वो किसी भी ओपन सेट पे कॉन्टीन्यूस है एंड देन वो डिफरेंशिएबल है तो हम उसको कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल है। एक एग्जांपल है इसी से रिलेटेड, हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है x² + y² / x - y, उसका हमने जो डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड किया और फिर हमने जब उसकी कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस किया तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है वो कॉन्टीन्यूस आ रहे थे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू y, तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट रिमार्क में हमें ये चीज़ बताई गई है कि अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन थी ना, तो अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है तो हम उसको कह रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसको ये नहीं कह सकते डिफरेंशिएबल है, सच हमारे पास जैसे हमने बात की थी पार्शियल डेरिवेटिव्स तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं होते, तो ये हम इसीलिए उसकी जस्ट सफिशिएंट कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। इसी से रिमार्क से रिलेटेड नीचे एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया है जिसमें हमारे पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है,
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर साइन वन डिवाइड टू एक्स माइनस वाई व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई. इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेट किया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई टू ऑफ एक्स माइनस वाई साइन ऑफ वन वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई माइनस कॉज ऑफ वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई. अब हम यहाँ पे देखें कि हमने जब इसी पे इसका लिमिट चेक करने के लिए हमने जब इस पे डिफरेंशियल अप्लाई किया, जब y इज इक्वल टू एक्स लिया, आप देखें जब f ऑफ x ऑफ x है ना, तो हमने जब y को x से रिप्लेस किया, हमने उस पे लिमिट अप्लाई किया, तो हमारा वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी f ऑफ x भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमारा ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू x पे कॉन्टिन्यूस नहीं है. फिर हमने इसी तरह जो एफ ऑफ वाई फाइंड किया, फिर हमने जो है दोबारा वाई को इक्वल पुट किया एक्स के, जब उसको फाइंड किया तो हमारे पास जीरो ही आया. जब हमने डिफरेंशियल के इक्वेशन में जब उसको पुट किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, यानी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ वन बाई एक्स माइनस वाई और जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई. जब इसी पे हमने शार्ज इनइक्वालिटी अप्लाई की, तो हमारे पास जो फंक्शन आया वो जीरो आया, यानी हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है. एट अगर हम उसको अलग अलग देखें, हम जब दोबारा जब लिमिट अप्लाई करके देखें, हमने डिफरेंशिएबिलिटी के इक्वेशन में पुट करके देखा है, लेकिन हमारा ये फंक्शन जीरो जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि हमारा जीरो जीरो पे फंक्शन जो अनडिफाइंड हो जाता है. ठीक है, वन डिवाइडेड बाई जीरो जब हम साइन में पुट करेंगे तो हमारा इन्फिनिटी आता है, हमारे पास वहाँ पे फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, लेकिन उसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट जीरो पे. तो हमने उसी चीज़ को प्रूव किया है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो कंटिन्यूअस भी होगा. तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं. अगर आपको लेक्चर की समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.